3 साल का बेटा, लेकिन 1.5 साल से उसकी शक्ल तक नहीं देखी। कैसा महसूस होता होगा मुनव्वर को कि अपने खुद की ही संतान, अपने खुद के ही अंश को मिलने ना दिया जाए। कोर्ट केस कर दिया है। आइए आपको कुछ बात बताता हूं मुनव्वर की जिंदगी से जुड़ी हुई। मैं आपका यारों का यार होस्ट राहुल बोझ स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। पास में आपने मुझे चैनल्स में प्यार दिया है, अब बारी है मेरे खुद के अपने चैनल की। सपोर्ट जरूर करें। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि मुनव्वर के बेटे को लेकर कंगना रनौत ने भी लॉकअप के अंदर एक बड़ी बात बोल दी। और कंगना के बोलने से पहले ही मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको मुनव्वर की शादी का पूरा सच बता दिया था। एंड मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आपको इन्फॉर्मेशन थी, ना ही इसमें कोई डिग्रेड करने वाला मामला है, तो कृपया करके इस चीज़ को गलत जगह ना घुमाइएगा। चलिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं दोस्तों, लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं मुनव्वर की शादी को। जो उनकी जो वाइफ है वो गुजरात में रहती हैं। जी हाँ, एग्जैक्ट मैं जगह नहीं बता सकता, ना ही उनका नाम बता सकता हूँ आपको। इट्स वेरी वेरी पर्सनल थिंग, सो बेटर है कि थोड़ा सा इसे डिस्टेंस बना के रखें। दोस्तों यहाँ पर मुनव्वर का जो है 3 साल का बेटा है। जी हाँ दोस्तों, 3 साल का बेटा है। और हाल तो ये आलम है कि मुनव्वर को अपने बेटे की शक्ल देखने के लिए ही कोर्ट से लड़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मुनव्वर का जो डिटेल्स है, मुनव्वर की डिटेल्स जो हमारे सामने आई है वो यही है कि मुनव्वर कोर्ट केस चल रहा है और सेपरेशन के लिए चल रहा है, क्योंकि अब तो तलाक 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 वाला सारा मामला हट चुका है। और इसी के चलते, और खबर ये भी है दोस्तों कि मुनव्वर की जो वाइफ है वो कहीं ना कहीं जो मुनव्वर की जो चीज़ें हैं उनसे अपसेट भी हैं, यानी कि जो फिल्म लाइन में वो काम करते हैं, यूट्यूब में वो काम करते हैं, क्योंकि उसी के चलते उन्हीं को गिरफ्तार भी किया गया था, मुनव्वर को गिरफ्तार भी किया गया था, राइट। तो इसके वजह से भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और प्लस इसीलिए मुनव्वर ने ये बातें नहीं बोली हैं हमारे सामने, जस्ट बिकॉज कोर्ट केस चल रहा है। अब आपको बता दो दोस्तों, तो बच्चे की कस्टडी या फिर बच्चे से मिलने को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसी के चलते मुनव्वर 1.5 साल से अपने बेटे की शक्ल नहीं देख पाया, और उसी को याद करके मुनव्वर हमेशा रोता रहता है, इमोशनल होता रहता है, और जेल के अंदर इस तरीके से वल्नरेबल हो जाता है। मुनव्वर माइंड से बहुत स्ट्रांग है, ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन मुनव्वर की अगर बात करें दोस्तों तो मुनव्वर दिल का बहुत साफ बंदा है। मैं तो चाहूंगा जल्द से जल्द ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाए और मुनव्वर फिर से वापसी करे। आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। इजाजत दें।